दोस्तों, मदीना में एक जिन का एक औरत के साथ गहरा आशिकाना ताल्लुक था। वो जिन परिंदे की शक्ल में उस औरत की दीवार पर आकर बैठ जाता और मौका मिलते ही उसके साथ बदकारी कर लेता। वो औरत भी बड़ी खुशी के साथ उससे मिला करती। एक बार वो कई दिनों तक उस औरत को मिलने नहीं आया। चंद दिनों बाद आकर दीवार पर बैठ गया तो उस औरत ने कहा, क्या बात, इतने दिन तक कहाँ रहे? देखिए फिर उस जिन ने क्या किया उस औरत के साथ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जमाना जाहिलियत में जवाब नाम का एक आदमी था। उसे शिकार का बहुत शौक था। जवाब जिस बुत की पूजा करता उस बुत का नाम कराज था। एक दिन उसने एक बकरा जिभा करके उस बुत पर उसका खून चढ़ाया और उसके सामने हाथ जोड़कर अर्ज किया, आपको सब चीज पर कुदरत हासिल है, आप अपनी इनायत से मुझे कोई शिकार इनायत फरमा दे। बुत के अंदर से आवाज आई, जाओ बाहर, तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा, तुम उसे पाल लो, आइंदा वो तुम्हारे लिए शिकार पकड़कर लाया करेगा। बुत के मुँह से ये अल्फाज सुनते ही जवाब ने बाहर की तरफ दौड़ लगाई तो क्या देखा, एक कुत्ता खड़ा है। जवाब ने उस कुत्ते को बुलाया तो वो दुम हिलाता हुआ उसके साथ हो लिया। वो रात दिन दोनों शिकार खेलने में मशगूल हो गए। वो कुत्ता जिस जानवर का भी शिकार करता, जवाब उस बुत के सामने लाकर उसको जिभा करता, खून को बुत पर चढ़ाता और गोश्त मेहमानों के साथ बैठकर खुद भी खाता और मेहमानों को भी खिलाता। थोड़े ही अरसे में उस कुत्ते ने जवाब को दौलतमंद माला माल बना दिया। अब उसके पास दूर दूर से मेहमान आते और उस बुत पर खून चढ़ाए हुए जानवर के गोश्त को खूब मजे से खाते। हसबे मामूल एक शख्स आया और कहा कि मैं आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सुनकर आया हूँ। जब उस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें की तो कुत्ता भी कान लगाकर सुनने लगा। जब वो शख्स बातों से फारिग होकर चला गया तो जवाब अपने कुत्ते को लेकर जंगल में शिकार करने गया। उसने तरह तरह के जानवरों पर कुत्ते को छोड़ा, हिरण, नीलगाय, खरगोश, लेकिन कुत्ते ने किसी भी जानवर का शिकार न किया बल्कि जानवरों को छोड़ दिया। जवाब ने दिल में सोचा, आज कुत्ते को क्या हुआ, मगर कुत्ता तो खामोश खड़ा था। तभी गैब से एक आवाज़ आई, ए जवाब, आज इस कुत्ते ने एक बड़ी बात की खबर सुन ली है, अगर वो बात तुम्हें भी मालूम हो जाए तो तुम भी इसे माजूर समझोगे। ये सुनते ही वो कुत्ते को लेकर घर की तरफ चल दिया। सामने से दो देव की सूरत के इंसान गधे के साथ आते हुए नजर आए। उन दोनों के पीछे एक हबसी गुलाम था जिसके हाथ में एक जबरदस्त कुत्ता रस्सी से पकड़कर चल रहा था। इन दोनों में से एक ने जवाब के कुत्ते की तरफ इशारा किया और कहा, ए कुत्ते, अब तू शिकार करना छोड़ दे, क्या तुझे नहीं पता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। जवाब घर पहुंचकर सो गया तो उसने कुछ आवाज़ें सुनी। आँख खोलकर देखा तो जो हबसी गुलाम के हाथ में कुत्ता था वो कुत्ता जवाब के कुत्ते के साथ इंसानी जुबान में बातें कर रहा था। जवाब के कुत्ते ने उस कुत्ते से कहा, अभी ठहर जाओ, शायद घर का मालिक जाग रहा है। अपने कुत्ते की बात सुनकर जवाब ने आँखें बंद कर दी। जवाब के कुत्ते ने जवाब के करीब जाकर गौर से देखा कि क्या ये घर वाला जाग रहा है या सो गया। गौर से देखा तो समझ गया कि ये सो चुका है, हालांकि वो अभी जाग रहा था। जवाब के कुत्ते ने दूसरे कुत्ते से कहा, अब बताओ क्या कहते हो, जवाब सो गया है, अब किसी बात का डर नहीं। उस काले कुत्ते ने कहा कि तूने वो जो दो सवार देखे थे वो दोनों बड़े कवि हैकल जिन थे, वो दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुनकर मुसलमान हो चुके हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी तरफ से रूहे ज़मीन के शैतानों और जिन्नातों पर मुसल्लत फरमा दिया है, जो बुतों के अंदर से बोलते और बुतों के ज़रिए लोगों को गुमराह करते हैं कि ये अब उनको पकड़कर मारें। मुझे तो उन्होंने पकड़कर खूब मारा और तरह तरह की सजा दी और मुझसे अहद लिया कि बाद में मैं किसी बुत के अंदर ना जाऊं। भाई गौर से सुन, मैं तो अब हिंदुस्तान के जजीरों में जाने का इरादा कर चुका हूं। तेरा क्या इरादा है? जवाब के कुत्ते ने कहा, क्योंकि वो भी असली जिन था। उसने कहा, जैसा तुम चाहो, मैं भी उसी में राजी हूं।
ये कहकर दोनों भाग गए और ऐसे गुम हुए कि वहाँ उनका नामो निशान भी ना था। सुबह को जबाब ने जब ये सारा वाकिया अपनी कौम को जमा करके कहा कि मैं तो मक्का मुकर्रमा में मुसलमान होने जा रहा हूँ, उसके बाद कौम से ये अल्फाज कहकर और तो कुछ ना कहा, लेकिन अलाहिदा होकर सबसे छिपकर बुत के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो सहाबा किराम रजी अल्लाहु अनु को मुखातिब करके फरमाया कि ये वो शख्स है जो एक अजीबो गरीब वाकिया देखकर मुसलमान हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीने में सबसे पहले इस तरह पहुंची कि मदीने की एक औरत और एक जिन में इसको ताल्लुक था। वो परिंदे की शक्ल में औरत के घर की दीवार पर आकर बैठ जाता और मौका पाकर बदकारी कर लेता। अचानक कई दिनों तक वो उस औरत के पास नहीं पहुंचा कि चंद दिनों के बाद अचानक वो एक दिन दीवार पर आकर बैठ गया तो उस औरत ने पूछा, क्या बात है, इतने दिनों से कहाँ गायब थे? इस पर उस जिन ने कहा, मैं तुमसे रुखसती चाहता हूँ, अब तुम मुझसे मिलने की आइंदा ख्वाहिश न रखना, अब एक हस्ती का जहूर हो चुका है जिनकी आमद पर हम जिनों का इंसानों के घरों में रहना मना करार दे दिया गया है और इसके साथ ही जीना और बदकारी को भी हराम करार दे दिया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ज़मीनों ने नाफरमानों के पैर धंसा दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा ली और गारे सौर में कयाम फरमाया तो इनाम के लालच में सुराका नाम के एक शख्स ने आपका पीछा किया और गार के करीब पहुंचकर कहने लगा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करेगा। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ज़मीन को आपके मातहत कर दिया है, इसलिए आप ज़मीन को जो चाहे हुक्म दे दीजिए, ज़मीन आपके हुक्म की ताबेदारी करेगी। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो सुराका को पकड़ ले तो इसी वक्त ज़मीन ने सुराका के घोड़े के पाँव पकड़ लिए और घुटनों तक उसके पाँव ज़मीन में धंस गए तो उसने एडी चोटी का जोर लगाया मगर घोड़ा चाहकर भी हिल ना सका। आखिरकार मजबूर होकर अर्ज करने लगा, हुजूर मुझे अमान दीजिए और इस मुसीबत से मेरी जान छुड़ाइए, मैं वापस चला जाऊंगा और किसी को आपकी इस गार में ठहरने की खबर ना दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़मीन इसे छोड़ दे। इस हुक्म की देर थी कि उसी वक्त ज़मीन ने सुराका के घोड़े के पाँव छोड़ दिए। इसके बाद सुराका वहाँ से चला गया। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, फॉलो और सब्सक्राइब भी करें।